अच्छा आप जरा बात कर लेते हैं डिक्रीज इन फंक्शन की। ओके अब जरा हम बात किसकी कर लेते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के सवाल में अक्सर वो आ जाते हैं। जैसे मैं सवाल हूँ 1/3 सही, 1/3 x³ - 5/2 x² + 6 और वो बोलता है कि इसको प्रूव करो कि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा अब सारे लोग जो है इसके ऊपर परेशान हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो क्या है कि इसका जो d5/dx आता है इट शुड बी लेस देन 0। सही, ये करना आपको शो करना है कि ये लेस देन 0 है, सही है ना। तो हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि इसके अंदर सेट ऑफ वैल्यूज निकालो। वो सेट ऑफ वैल्यूज जिसके अंदर ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इसके अंदर क्या होता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो। अच्छा अब आ जाते हैं x की क्या सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, देख लेते हैं। सही, सो मैंने कह दिया मैं dy/dx ले लूंगा। अच्छा dy/dx इस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा इसका 1/3 3x था, तो मैंने कहा 3 इधर आ गया मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो गया और ये हो गया x², तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। ये क्या था -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर नीचे आ गई कैंसिल हो गया और ये रह गया। ठीक हो गया। प्लस 6 के साथ x a की पावर 2 + 6 रह गया, तो फाइनली वी हैव x² - 5x + 6। ये क्या आ गया dy/dx। व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू शो दैट dy/dx इज लेस देन 0। तो यानी फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन इट शुड बी दिस dy/dx शुड बी लेस देन 0। सही, चीजें वही है, मतलब आप चीजें वही सिंपल है, बस इसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। क्या हो गया, आपने इसको सॉल्व किया x² - 3x - 2x + 6 = 0। सही, x कॉमन लिया x - 3 आ गया, -2 कॉमन लिया x - 3 और ये आ गया 0, राइट। सो नाउ व्हाट वी हैव x - 3 < 0 x - 2 < 0। So we have x - 2 x - 3 = 0। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है। यहां पे आके जो है ना एट दिस पॉइंट यहां तक सब आ जाते हैं, लेकिन जब प्लॉट करने की बात आती है ना तो यहां पे इशू खड़ा होता है। राइट अब यहाँ पे आके आपको इशू कट होता है। अब आप क्या करते हो, आपने कहा कि दो पॉइंट कर्व बना ली, यानी दो पॉइंट्स होंगे, एक होगा x = 2 एक होगा x = 3। यू हैव टू पॉइंट्स, आपने कर्व बना लिया, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर ax² + bx + c जो होता है, इफ ए इज व्हाट, ए इज पॉजिटिव व्हिच इट वाज इन दिस क्वेश्चन सो you have this u-shaped graph parabola, right? If a is negative, then what happens bachcho, then we have this type of graph. Okay, coming back to this. Okay, so this is positive, so it will be like this. Points aapne mark kiye, okay, 2 3 mark kar liya, 2 or 3 mark kar liya, then what you have to do, you have to identify now it is less than 0. Less than 0 ka kaun sa area aa raha hai,
लेस देन जीरो किस में आ रहा है, ये इस लाइन से नीचे होगा, लेस देन जीरो कौन सा एरिया, ये बात समझने के यही सारे मसले शुरू होते हैं, ये जरा गौर से सुनो। लेस देन जीरो का मतलब है कि ये एरिया जो है ये पड़ रहा है, तो ये एरिया कौन सा बेटा, टू से लेके थ्री दरमियान है, इट इज नॉट लेस देन टू। यहाँ पे आते हैं सबसे ज्यादा जब भी इनइक्वालिटी का सवाल आता है, इवन इन पी थ्री के अंदर भी ये इशू आता है आपको, सही है, पी वन में भी आता है और एडमेंस में भी आता है। अच्छा यहाँ पे कौन सा, ये एरिया, तो बेटा ये एरिया जिसका मतलब क्या हो गया, टू इज लेस देन लेस देन क्यों लगाया, सर लेस देन इक्वल्स टू बेटा, यहाँ पे लेस देन की साइन, हाँ क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये जरूर देख लेना।